हाय, मैं रूपम सिन्हा। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक छोटा सा ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ। आपके स्किन पे जो दाग धब्बे होते हैं उसके लिए मैं बहुत ही छोटा सा टिप्स लेके आई हूँ, और वो भी DIY है, होम रेमेडी। आपके घर में इजी वे में मिल जाएगा। आप अपने दांतों का केयर तो करते होंगे, उसमें आप टूथपेस्ट लगाते होंगे, और आपको पता है टूथपेस्ट में क्या क्या होते हैं। टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट होता है और डिहाइड्रेटेड सिलिका जेल उसमें मिलाया जाता है। दोनों जब ये टूथपेस्ट में मिला होता है तो ये आपके दांतों में जो अवांछित तत्व हैं उसे हटाने का काम करते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो कि आपके एनामेल को, टीथ एनामेल को मजबूत बनाते हैं। लेकिन ये टूथपेस्ट आपके स्किन पे जब जाता है तो क्या गजब का निखार लाता है, क्या दाग धब्बे को दूर करता है, आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका फायदा आपको तुरंत नजर आएगा, और उसके लिए ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस एक लेमन चाहिए और हल्दी पाउडर चाहिए, और टूथपेस्ट चाहिए जो कि आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट ले सकते हैं। टूथपेस्ट आपको मैं यूज करके और इससे स्किन की सफाई करके दिखा सकती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। फेस पे भी इसे आप लगा सकते हैं, पर मैं इसे आपको अपने हैंड पे दिखाऊंगी। तो फिर मैंने ये टूथपेस्ट ले लिया है और फिर इसे अपने हाथों पे मैं लगा रही हूँ। जैसे कि आपके ये यहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, इस पे भी आप लगा सकते हैं, इस पे ब्लैक पे। और अभी मैं इस पे हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ। आप इसे पीठ पे, गले पे, गर्दन पे और चेहरे पे भी लगा सकते हैं। और ये हो गया, मैंने इसे लगा लिया। लगाकर मैंने इसे थोड़ी देर छोड़ दिया, और मैंने पहले से गर्म पानी करके रख लिया है क्योंकि बाद में इसे गर्म पानी से धोना है। और मैं लेमन को कट कर रही हूँ। और इस पे मैं इस तरह से हल्दी को रख रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे मैं रब कर रही हूँ, चूंकि नीचे ना गिर जाए इसलिए मैंने इसे ले लिया है और इसे मैं रब कर रही हूँ। और मैं इस टूथपेस्ट को अपने इस हैंड पे भी लगा ले रही हूँ, नहीं तो दो कलर का हो जाएगा। तो फिर ये देखिए, इस तरह से इसको रब करते जाना है, रब करते जाना है, रब करते जाना है, और फिर इसको भी लेमन को हल्का हल्का पुश करेंगे तो इसका जूस बाहर आएगा और ये अच्छी तरह से सफाई करेगा। कि मैं क्विक सफाई कर दे रही हूँ, चूंकि ये पानी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, और चूंकि ये विंटर सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे किसी टॉवल से अच्छी तरह से इसे सफाई कर लिया है मैंने। अब इसे मैं, इसमें थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा लग गया है, इसे साफ पानी से एक दो बार और धो लेंगे
तो ये साफ हो जाएगा। तो फिर मैंने इसे वॉश कर लिया है और इसे अपने रुमाल से सुखा लिया है, और आप देख सकते हैं कितना इसमें फेयरनेस आ गया है, पहले से ये बेटर लग रहा है। और चूंकि ये विंटर सीजन है, इसको करने के बाद कोई अच्छी सी क्रीम लगा सकते हैं। और आपको ये रूपम सिन्हा का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब करें वो जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।